बाबर, नसीम शाह को आपने देखा कि इंडियन बैटर्स ने आके अटैक किया, आपके माइंड में था कि वो ऐसा अटैक करेंगे, और अगर नेक्स्ट मैच में भी ऐसा अटैक होता है तो क्या पॉलिसी होगी? दूसरा, रिजवान के बारे में आपने बोल दिया, लेकिन आपने डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेली है, लीग खेली है, बाहर जाके खेली है, कभी इस टाइप का वॉरियर या फाइटर क्रिकेटर देखा है आपने? देखें, डेफिनेटली ये बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ थी कि वो अटैक करेंगे, और देखें ये तो T20 की खूबसूरती है कि वो T20 शॉर्ट फॉर्मेट है और उसमें किसी भी बॉलर पे अटैक हो सकता है, और पहले 6 ओवर में आप जितना उसको यूटिलाइज कर सकते हैं करें। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह हमने एज अ बॉलिंग यूनिट कम बैक किया वो हमारे लिए एज अ टीम काफ़ी अच्छा था, और स्पेशली हारिस ने जो फिनिश किया वो बहुत अच्छा था। देखिए, करैक्टर मैंने ऐसा करैक्टर देखा नहीं है रिजवान जैसा, जिस तरह लास्ट टाइम जिस तरह वर्ल्ड कप में था, जिस तरह उसने अपने आप जो हॉस्पिटल में रह के एक रात रह के आया, लेकिन उसका जो माइंड सेट और वो जो डेडिकेशन थी पाकिस्तान के लिए, कि उसने कहा था नहीं भाई जो मर्जी हो, भावे मैं गिरूँ या मुझे बुखार हो, जो मैंने खेलना, तो वो एक डेडिकेशन चाहिए होती है। और एज अ कप्तान मेरे लिए तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि मेरे पास ऐसे वॉरियर है कि किसी भी हालत में वो आगे होते हैं, और जब भी जो उनको प्लान दिया जाता है और जो उनको बोला जाता है वो करते हैं, और मेरे लिए तो काफ़ी खुशी की बात है कि मेरे पास ऐसे प्लेयर्स हैं। डिफरेंट करेक्टर है और वो अपने पे और इससे ज़्यादा अल्लाह पे बिलीव रखता है, और वो इन चीज़ों पर बॉदर नहीं करता कि परफॉर्म होगा कि नहीं होगा, इंजरी मेरे है या नहीं है, वो उसकी हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं अपना 100% दूँ टीम को, और जो अल्लाह ने लिखा वही होना है, और वही उस पर बिलीव रखता है। वो कभी उस चीज़ पे उसका फेथ नहीं है कि मैं अगर नहीं करूँगा तो पता नहीं क्या होगा, उसका हमेशा पॉजिटिव थिंग वो सोचता है और पॉजिटिव बात करता है और पॉजिटिव ही रहता है। तो अभी जो उसके सूरत हाली है कि वो थोड़ा सा उसका नीका भी MRI हुआ है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उसमें, तो इंशाल्लाह अभी सिटी स्कैन होगा और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो राइट नाउ उसकी जो मेरी उसकी बात हुई है वो काफ़ी अच्छा फील कर रहा है, और सवेल करते हैं वो प्लेयर पे होता है जिसने उसने एग्जीक्यूट किया प्लान, जो जिसने उसने अपनी गेम दिखाई, तो वो मुझे उस पर बिलीव था क्योंकि वो चीज़ अप्लाई नहीं कर पा रहा था, उसको वैसी बैटिंग नहीं मिली थी, वैसी उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, जब उसको अपॉर्चुनिटी मिली उसने अवेल की। बाबर, आपने वैसे तो बहुत सारी फतवात सुनी थी एज अ बैटर भी और एज अ कैप्टन भी, बट ट्रॉफी आप अभी तक नहीं जीत पाए, तो एशिया कप की ट्रॉफी उठाने के लिए कितने पुरजमा है? जी बिल्कुल, देखें हर बारी एज अ कप्तान यही होता है कि आप ट्रॉफी उठाएं, और इसके लिए आपको पूरा हार्डवर्क चाहिए, ये नहीं कि बोलने से ट्रॉफी उठ जाती है, लेकिन ये है कि मैचेस जीतने पड़ते हैं और एफर्ट दिखानी पड़ती है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हम दिखा रहे हैं, और पूरा उम्मीद है हमें एज अ टीम कि हम इंशाल्लाह अपना 100% देंगे, रिजल्ट हमारे अल्लाह के हाथ में।